हरे कृष्णा दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस यार, आज के हम लोग वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे तुम लोगों ने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। सो गाइस, मिथ नंबर वन, आप कार मार्केट प्लेस से एक कार को टक्कर मार के अपने ऑफिस में लेकर आओगे। उस कार को आप सेल पे लगा सकते हो और वो कार खरीदने के लिए लोग भी आएंगे। So guys, ये वाला मिथ तो ट्राई करना बनता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कार मार्केट जाने के लिए मैं अपनी ये टोयोटा सुप्रा को ले लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मिथ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कार मार्केट पे आ गया हूँ। एंड यहाँ से देखो, मैं तुम लोग को बता देता हूँ, उस साइड ये कार ऑप्शन दिख रहे हो, उसी के साइड पे है मेरा ये शोरूम। तो मेरे को फटाफट से इस कार को ठोकर मार के ले जानी है अपनी जगह तक। ओ, इन अंकल जी को तो देखो, अंकल जी कार के साथ टेढ़े हो गए। ओ माय गॉड, अंकल जी की तो मुंडी रोड के अंदर दस गई। वेल, इसको मैं सीधे ऐसे ठोकर मारूंगा और ये ले बेचे। थोड़ा सा स्पीड में आते हैं और ये ले। बस यहीं पे इसी रास्ते में मेरे को अपनी कार को सीधे ठक्कर मारनी है। और ये एक और मेरी गाड़ी भी डैमेज हो रही है, लेकिन इट्स ओके। बस गाइस, मेरे को अपनी इस वाली कार को ऐसे ही लेके मेरे को अपने गैराज तक लेकर जानी होगी। ओके, आराम से। व्हाट, हेलो, वेट अ सेकंड, ये गायब हो रही है। हेलो, कोई गिलच है ये। सो गाइस, यार मिथ के अकॉर्डिंग हम लोग को अपनी कोई सी भी कार लेकर अपने शोरूम तक जानी थी, लेकिन गाइस यार ये वाली कार ये ऑप्शन वाली जगह से मतलब निकल ही नहीं रही है। इट मींस ये उस वाली जगह से बाहर जा ही नहीं सकती जब तक मैं इसको परचेज ना कर लूं। सो इट मींस गाइस, ये वाला मिथ बस्ट हो जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी को फ्यूल स्टेशन के पास खड़ी करोगे फिर मैजिक होगा, उतर के देखना। ऑलराइट गाइस, तो मैं फटाफट से चलता हूँ फ्यूल स्टेशन पर। एंड गाइस, अगर आप लोगों के पास भी कुछ मिथ्स हैं जो कि मेरे को ट्राई करने पड़ेंगे, तो वो लोग आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे आप लोग हमारी लेटेस्ट वीडियोस को जल्दी देख पाए। तो ऑलराइट गाइस, बोलते मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। एंड यहाँ पर आई गेस ओके, मैं समझ गया मेरे को करना क्या है। ओ वेट, ये मैं, अभी यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं थी, अचानक से इतनी गाड़ी कहाँ से आ गई। इन दोनों को बीच के साइड पे शायद से मेरे को अपनी कार को अटैच करना है। तो मैं अपनी कार को ले चलता हूँ और इस कार को मैं लेकर आराम से ऐसे तो इसका इंजन कर देता हूँ ऑफ, इसको रख देता हूँ बंद। अब थोड़ा दूर चल के देखते हैं गाइस, क्या हमारी गाड़ी के कोई ग्लिच होगा या नहीं। वो गाइस, कुछ तो ग्लिच हुआ, ये अचानक से ये वाला ट्रक स्पॉन हुआ एंड हमारी गाड़ी इतनी ऊंचाई तक उड़कर गई। इट मींस ये वाला मिथ कंफर्म है। सो गाइस, नेक्स्ट मिथ मेरे को लग रहा है कि मेरी जेब को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। अगर हम लैम्बोर्गिनी को $1 में सेल करेंगे और 0 ऑफर करेंगे तो मैजिक होगा। गाइस, मेरे पास लैम्बोर्गिनी तो नहीं है, लेकिन गाइस मेरे पास एक ये वाली कार जरूर है, जो कि डॉक चार्जर। एंड ये वाली गाड़ी का जो वैल्यू है वो है $80,000। ये देखिए, ये 72 है, इसको मैं लगा देता हूँ एक पर। ऑलराइट गाइस, तो हमारे पास हमारी एक दीदी आ चुके हैं जो कि हम लोगों से ये वाली कार को परचेस करना चाहती हैं, वो भी $1 में। तो मैं बार्गेनिंग करके इन्हें मैं देता हूँ $0। अब देखते हैं भाई क्या ग्लिच होगा, क्या ये मेरे को पैसा देंगी प्लीज। ये क्या हो गया, हेलो, मेरी गाड़ी तो फ्री में सेल हो गई, 78,000 की थी मेरी कार। भैया मैं तो लुट गया बर्बाद। सो गाइस, नेक्स्ट मिथ तो और ज्यादा डेंजर है। अगर आप ड्रैग रेस की बस के पास जाओ, उस पर जंप करो तो मैजिक होगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं अपनी टेस्ला कार को लेकर यहाँ पे इस ड्रैग रेस की बस के पास में आ गया हूँ। एंड शायद से मेरे को यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी को ठोक दिया, बहुत बढ़िया। तो अभी अपनी गाड़ी को शायद से ऐसे लगाना है कि मैं इसके ऊपर जंप कर पाऊँ। एक सेकंड वेट, मैं इस गाड़ी को ऐसे रख देता हूँ, शायद से अब मैं इसके ऊपर चढ़ पाऊंगा। ये नहीं पहुंच पाया, शायद से मेरे को गाइस यार इसके ऊपर से ही जंप करना है। ये ऑल राइट गाइस, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर आ गया जंप करके। एंड अब मेरे को यहाँ ऊपर देखना, क्या पता ऊपर कोई जगह हो जहां से मैं मतलब कोई ग्लिच हो। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है,
ना रे गाइजर, मिथ के अकॉर्डिंग मेरे को इस बस के ऊपर जंप करना था और वो मैंने जंप किया, लेकिन कोई ग्लिच नहीं हुआ। इसका मतलब है ये मिथ बस्टेड है। ये पूरा का पूरी बस खाली है, बस ये लोहे का डब्बा है अकेला। छी बस गाइजर, आज की वीडियो में था इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग हमारा आज का मिथ बस्टर सीरीज पसंद आया होगा। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइजर, अब अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।